हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नगीन और ये बंदी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, आज मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ NYX का फाउंडेशन। अगर तो आपने फाउंडेशन नहीं यूज़ किया हुआ तो छड्डो जी, मैं हूँ ना, आपको बताती हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लिया, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो छड्डो जी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन कैसा है, इसको लगाते कैसे हैं, और हमें ये क्यों लेना चाहिए, इसकी कवरेज कैसी है, ये सब आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि ये फाउंडेशन लाइट कवरेज है कि हाई कवरेज है। द थिंग इज़, लाइट कवरेज क्यों यूज़ होता है और हाई कवरेज क्यों यूज़ होता है, हम डेली लाइफ में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लाइट कवरेज और हाई कवरेज में डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइट कवरेज जो है वो इस तरह से है, जिस तरह हम लोग नॉर्मल पराठा खाते हैं, जैसे सब्ज़ी के साथ खा लिया, हम लोग सूखी रोटी भी खाते हैं सब्ज़ी के साथ, और आम रूटीन पे जैसे सादा तेल ऑयली पराठा हम लोग खाते हैं, ठीक है। और हैवी कवरेज में हम लोग चोरस पराठा खाते हैं या बलों वाला पराठा खाते हैं, तो आप समझ गए होंगे वो पराठा हम लोग सिर्फ निहारी के साथ खाएंगे, कढ़ी के साथ खाएंगे। तो इसी तरह फाउंडेशन में भी आप कह रहे होंगे कि पराठे का बात करके फाउंडेशन की तरफ आ गई है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ एक आइडिया दिया है, आपको समझाने के लिए आपको बताया है। तो NYX जो फाउंडेशन आज मैंने यूज़ किया, उसका बेसिकली मकसद ये है कि ये लाइट है कि हाई कवरेज है। तो ये लाइट कवरेज है और लाइट टू नॉर्मल है। इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और हम लोग इसे डेली लाइफ में अपने यूज़ कर सकते हैं। एज इन, अगर हम लोग वर्किंग वूमेन हैं, अगर हम लोग कॉलेज जा रही हैं, अगर हम लोग दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो हम लोग ये फाउंडेशन जो है बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो हाई कवरेज फाउंडेशन होता है वो बेसिकली किसी पार्टीज़ में यूज़ होता है, ब्राइडल्स पर यूज़ होता है, और किसी ओकेजन पर ही यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पराठे पर, जैसे कढ़ी के साथ खाना हो या निहारी के साथ पराठा खाना हो तो ही वो यूज़ होता है। इसी तरह कोई स्पेशल बड़ा ओकेजन हो उसी के लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लाइट और हाई कवरेज में डिफरेंस क्या है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये अफोर्डेबल है कि नहीं। तो दोस्तों, ये अफोर्डेबल है और आप रेगुलर लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। देखते हैं कि ये जो है ड्राई स्किन वालों के लिए है कि ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो दोस्तों, NYX का ये जो बॉर्न टू ग्लो है, ये फाउंडेशन जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है। इससे आपके फेस पर पैचेज़ नहीं पड़ते, बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर सेंसिटिव है तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि अगर इसे यूज़ करते हैं विंटर्स में, क्योंकि ये आपके फेस पर पैचेज़ नहीं बनाता। ये आफ्टर यूजिंग दैट मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी स्किन पर पैचेज़ नहीं है, कोई ड्राइनेस नहीं हो रही है, आपको कहीं इचिंग नहीं हो रही है, हैवी फील नहीं हो रहा। अगर हम लोग बात करें कि हाई कवरेज और लाइट कवरेज में हमें कैसे पता चलेगा कि हाई कवरेज है लाइट कवरेज है, तो जो हम लोग हाई कवरेज होती है ना, वो फाउंडेशन लगाने के बाद आपको फेस पर थोड़ा हैवी फील होता है, लेकिन ये जो है ना बहुत लाइट वेट है, ये फाउंडेशन जो है बहुत लाइट वेट है, इससे मेरे स्किन पर कोई हैवी फील नहीं हो रहा, बहुत लाइट फील हो रहा है, और इसका टेक्स्चर बहुत स्मूथ है, और इसको अप्लाई करने में बहुत आसानी से अप्लाई हो जाता है, स्प्रेडेबल है, जिससे आसानी से हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश के साथ भी और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी। तो अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं कि ये वाटरप्रूफ है कि नहीं। थोड़ी देर मैं मुंह पर पानी लगा रहने दूंगी, और देख सकते हो मैंने मुंह पर पानी लगाया, थोड़ी देर मैं लगा रहने दूंगी कि इसका क्या रिएक्शन आता है, फाउंडेशन फैल के नीचे तो नहीं आ रहा, तो वो भी पता चल जाएगा कि वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा फाउंडेशन जो है पिघलता हुआ नीचे नहीं आया पानी के बाद, तो इट मीन्स कि वाटर रेजिस्टेंस है, वाटरप्रूफ है, आप कह सकते हैं। और अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें 4 to 5 hours, तो ऑक्साइड नहीं होता। कुछ फाउंडेशन होते हैं, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फ़ौरन से वो थोड़े ऑक्साइड हो जाते हैं। ऑक्साइड मीन्स कि आप जो फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा डल आपका फेस लगने लग जाता है, लेकिन ये अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा फेस जो है वो डल लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन लवर है और आपको चाहिए कि नेचुरल फाउंडेशन हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यू शुड गो फॉर दिस। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि अब हम ये कैसे अप्लाई करेंगे, वो आप चल के देखते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़ करना सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप वैसे भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो भी अपने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। तो मैंने सबसे पहले प्राइमर अपने फेस पर लगाया है, तो प्राइमर लगाने के बाद हम लोग फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या फाउंडेशन यूज़ करने से पहले मैंने अपने आई मेकअप कर लिया था। अगर आप ये आई मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर ये जो आई मेकअप है ये सीख सकते हैं कि आपने इसे कैसे करना है। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फाउंडेशन लगाना। मैंने अपना आईज़ मेकअप कर लिया है, वो मैंने इसलिए किया है ताकि ये जो वीडियो थी ये जस्ट फाउंडेशन के बारे में थी कि हमने ये फाउंडेशन का रिव्यू देना था और ये कैसा है, इसे कैसे अप्लाई करना है। इससे मैंने आई मेकअप कर लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने फाउंडेशन को। इस तरह मैंने अप्लाई किया है, दो तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं और अपने हाथ पर भी ले सकते हैं। तो हाथ पर लेने के बाद मैंने अपने फिंगर्स के साथ मैंने इसको टैप कर लिया है अपने पूरे फेस पर, और नेक को भी कवर करना मत भूलिए दोस्तों। हम ब्रश के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूद है और अप्लाई करने में बहुत आसानी होती है, तो मैं अब अपने फिंगर्स के साथ आराम आराम से इसको अप्लाई करूँगी टैप करते हुए। रगड़ूंगी नहीं अपने फेस को, फाउंडेशन को रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का हल्की उंगलियों से, लाइट उंगलियों से हमने उसको टैप करना है। अपने नेक एरिया को भी मैं कवर करूंगी, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी उसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए। मिक्स मैं हाथों से नहीं करूंगी, मैंने जिस हाथों से इसे अप्लाई किया है और फिर उसको मिक्स करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर को आप हल्का सा गीला कर लें और फिर उसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर से आप मिक्स करें हल्का हल्का टैप करते हुए। उससे यह है कि ब्यूटी ब्लेंडर पर आपका फाउंडेशन लगेगा नहीं ज़्यादा। अगर मैं गीला ना करती, ड्राई यूज़ करती, तो सारा फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर पर लग जाता। तो ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको मिक्स करना है अपना फाउंडेशन। तो देख लें दोस्तों, आपने विंटर्स में अपने फेस पर कैसे अप्लाई करना है। पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें और फिर फाउंडेशन अप्लाई करें, और ये इस तरह से करने से मेरी स्किन पर बिल्कुल भी पैचेस नहीं बने, ड्राई नहीं हुई स्किन, और ऐसा नहीं है कि कहीं फाउंडेशन लगा हुआ बिल्कुल पता चल रहा है। बहुत ही नेचुरल लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी अपने आईज़ के नीचे। बींग मोम, आप समझ सकते हैं कि कंसीलर लगाना इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कंसीलर लगाने के बाद मैं आपको पूरी लुक दिखाऊंगी कि इस फाउंडेशन के साथ आप पूरी लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लिपस्टिक लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी कंटूरिंग की तरफ। तो लाइट सी कंटूरिंग भी मैं करूंगी, क्योंकि खाली फाउंडेशन के साथ हमारी जो लुक है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। फाउंडेशन के बाद हमें कंटूरिंग करनी है, ब्लशर करना है, लिपस्टिक लगानी है, तो ही हमारी लुक कंप्लीट होती है। हल्की सी मैंने कंटूरिंग की है दोस्तों, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, जो फाउंडेशन था वही मैंने लगाया है। और ये कंटूरिंग और ब्लशर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो जो मैंने यूज़ किया है, ताकि आपको पता चले कि इस ये प्रॉपर लुक आती है। खाली फाउंडेशन लगाने से आप लुक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरी लुक क्रिएट करनी है तो आपको कंटूरिंग, ब्लशर, आईज, लिपस्टिक वगैरह ये सब अप्लाई करेंगे तो एक प्रॉपर लुक बनती है। बाद में हाईलाइटर लगाऊंगी अपने फेस पर। मेरा मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन जो है बिल्कुल नेचुरल सी लुक दे रहा है और ग्लो भी कर रहा है हमारे फेस पर। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। इस वीडियो में जिस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि फाउंडेशन कैसा है, ये लाइट कवरेज है, हाई कवरेज है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या आपको परचेजिंग में या कितना इसका प्राइस है, या रीज़नेबल प्राइस है कि नहीं है रीज़नेबल प्राइस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में दी है। तो अगर आप आई मेकअप के से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है।